लीजिए छात्रों, फाइनली आप लोग का विज्ञान का कक्षा 8वीं का पूरा रियल क्वेश्चंस पेपर लेके आ चुके हैं, जो आप लोग का पूरा अंक 60 होने वाला है और आप लोग का कल पेपर होने वाला है, ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-2024 पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर। समय आप लोग को 3 घंटे को दिए जाते हैं, ठीक है। और उस आप लोग यहाँ पर अपना जो भी पेपर है ना, पेपर का कोड वगैरह देख सकते हो। और जितने भी क्वेश्चन को कराऊंगा ना, पूरे क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हो ना, यार 100% है कि यार आप लोग का 60 पूरा अंक होने वाला, तो 55 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप लोग टॉप कैटेगरी में आना चाहते हो ना, टॉपर कैटेगरी में, ठीक है, तो यार 100% इस वीडियो को देख लेना। और चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यार ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, ठीक है, क्यों आपको पता होगा कि मैं अगली वाली वीडियो में जो इंग्लिश का पेपर था ना, इंग्लिश के पेपर में पूरा का पूरा रियल पेपर डाल दिया था, तो उससे क्या हुआ था कि वीडियो डिलीट हो गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो कभी भी डिलीट हो जाएगी। इससे फटाफट आप लोग इस पेपर को जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, पूरे की स्क्रीनशॉट मार लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है, कौन सा रेशा है? कपास है, रेशम है, नायलान है, ऊन है, ठीक है, इसको कर लेना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, न्यू हो तो ज़रूर से कर लेना, ठीक है। आप लोग पहले से हो तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद में आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग देखो इसमें किसी पाटकर, ठीक है, इसको तो आपको जिंक या फिर फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, इसको देख लेना। मलेरिया परजीवी का वाहक है, जो मलेरिया होती है ना, मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलिक मच्छर का, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर घरेलू मक्खी, काक्रोच, तितली, ठीक है, इसको देख लेना। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, एक टेड पोल जिस प्रक्रम द्वारा वश्यक में, ठीक है, विकसित होता है वह क्या है? तो कायांतरण है। क्या है? कायांतरण है, तो इसको ज़रूर से देख लेना। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आता है कि सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह होता है कौन सा है? बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, कौन सा है, तो इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को भी आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल वाला उदाहरण, मतलब बल का उदाहरण है, ठीक है। जलन प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जलन ताप, ठीक है। उसके बाद में फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयार करना होता है, जैसे मिट्टी को तैयार करते हैं ना, फिर उसके बाद में जैसे मतलब ट्रैक्टर से उसको करते हैं, जोताई वगैरह करते हैं, तब फिर ना उसको तैयार कर लेंगे, फिर ना फसल को उगाएंगे, फिर उसके बाद पानी डालेंगे, फिर उसके बाद में हम मिट्टी को देखेंगे सही हो गया कि नहीं हुआ, फिर उसके बाद अपन का जो फसल वगैरह उगाने का काम चालू कर देंगे। तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ ना, पूरे क्वेश्चन को कर लीजिए। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ग्रहों के अतिरिक्त और परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम लिखिए। CNG और LPG का ईंधन रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? एक एक लाभ बताइए। रेड टाटा पुस्तक क्या है? और युग्मन और गर्भ में एक विभिन्नता की दीजिए, ठीक है। सिंचाई किसे कहते हैं? ठीक है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने के लिए दो विधियाओं के नाम लिखिए, तो इसको भी आपको लिख देना है। उसके बाद में आप लोग का आ जाता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आयन Fe+ ऑक्सीजन O2+ जल H2O बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इसको जरूर से कर लीजिए। धातु और अधातु के उपयोग लिखिए, ठीक है, 5 उपयोग लिख देना है। फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है, इसको बता देना है, ठीक है। 12 नंबर पे इतने क्वेश्चंस में आपको पूरे क्वेश्चंस को करा दिया। आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और चलिए फटाफट आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपका जो भी डाउट रहेगा, ठीक है। और आप लोग अपने जो भी आपका जिला है ना, आपके जिले में कौन सा सेट आ रहा है, और जो भी आपका कोड है ना, पेपर का कोड बता दीजिएगा जरूर, इसीलिए मैं आप लोग को प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो जरूर से जरूर आप लोग कर बता दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।